एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इट्स मी ज़ावी खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं मेरी गुड मॉर्निंग बोलने की आदत कब जाएगी, इट्स इवनिंग। मैं कराची आई हुई थी किसी काम से और ये ऑलमोस्ट शाम के 7 बज रहे और 2 घंटे पहले ही मुझे पता लगा कि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है और हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, जिसके लिए मैं पिछले 5 सालों से मिन्नतें करती आ रही हूँ घर वालों को, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा था, मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे फॉरेन जाना था, मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए था, लेकिन घर वाले यही कह के चुप करा देते थे कि बेटा जब घर में उठ के पानी पीते हुए आपको मौत आ रही होती है तो बाहर आपके काम कौन करेगा, तो अकेले जाने की तो मुझे परमिशन कभी नहीं मिलने वाली थी। तो इस बार मैंने प्लान बनाया अपने एक फैमिली मेम्बर के साथ। सबसे पहले तो मैंने उनको एग्री किया, फिर उनका काम था मेरे बाबा को एग्री करवाना, तो खैर वो तो हो गया। लेकिन जब भी हम लोग कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उस हिसाब से नहीं होती, हमेशा एंड टाइम पे कैंसिल हो जाती है, तो ये सडन प्लान बना है इसलिए हम लोग एयरपोर्ट तक तो पहुंच गए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इससे पहले कई बार प्लान बन चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो अब सब बेजार हो गए, इसलिए मेरे साथ पूरी टीम आई है कि बहन अब हम तुम्हें गुड बाय करके यहीं साथ वापस लेके नहीं आएंगे। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे यहाँ से बाहर निकालने में, क्योंकि कराची आते ही मुझे एलर्जी हो गई थी, एलर्जी थी या फ्लू था, खैर मेरी बहुत बुरी हालत थी तो मैं कोई काम करने वाले हालात में नहीं थी। तो इस वजह से जो ट्रिप से पहले की धक्के खारियाँ होती हैं उससे मैं बच गई थी। इवन मुझे पैकिंग भी इन्होंने करके दी थी, मैंने कोई चीज़ खुद पैक नहीं की, पता नहीं मेरे बैग में क्या होगा क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। इवन मुझे सारी चीज़ें प्रिंट होकर हाथ में दी गई हैं, मैंने यहाँ से सिर्फ फ्लाइट की डिटेल्स दिखी हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप था जो क्लियर हो गया, अब इसके बाद 10 और ऐसे स्टेप्स आने। पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रहने से ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि लोग जितने इश्यूज़ फेस कर रहे थे मुझे अपना ही डर लग रहा था कि मेरे बहन भाइयों ने कोई हरकत ही ना कर दी हो जिसकी वजह से मैं फंस जाऊँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ था, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई काम आप खुद ना करो तब तक आपको टेंशन रहती है कि पता नहीं यार उन्होंने काम सही किया भी होगा या नहीं। मेरी तबीयत अभी तक ख़राब है, मेडिसिन पर चल रही हूँ, तो थोड़ा सा सुकून चाहिए था इसलिए हम लोग मस्जिद आ गए और ईशा का टाइम हो रहा था तो नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया था और एक लंबी लाइन में काफ़ी देर लगने के बाद हम लोग फाइनली अपनी सीट्स पर पहुँच गए हैं। हम जा रहे हैं कराची से दुबई, तो ऑलमोस्ट 2 hours 15 मिनट्स की फ़्लाइट होगी और नाइट टाइम है तो कुछ ख़ास एक्साइटमेंट तो है नहीं व्यूज़ की, बट स्टिल आई लव विंडो सीट्स और मुझे विंडो सीट ही मिली, लेकिन ऐसी जिसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ और अगला बंदा भी कंफ्यूज है कि यह विंडो किसकी साइड है, भाई उसकी साइड है मेरी साइड है। इशू नहीं है क्योंकि रात का टाइम है और रात के टाइम क्या ही दिखना है, पहले कराची की लाइट्स दिखेंगी, उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा और लास्ट में हमें दिखेंगी दुबई की लाइट्स। बस लाइट्स तो हमें यहाँ से भी दिख जाएंगी, तो इसलिए हमें मज़ीद इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और सफ़र की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। हम जा रहे हैं फ्लाई दुबई एयरलाइन से और वो लोग अपनी इस एयरप्लेन की वाली विंडो क्लीन करना भूल गए थे, तो मेरा कैमरा उसी पर फोकस कर रहा है, बैकग्राउंड को इग्नोर किया हुआ है इसने, बट स्टिल आई एम हैप्पी। कराची एयरपोर्ट पर जो फ्लाई दुबई का स्टाफ था, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे, उसके बाद हमें बोर्डिंग पास मिलना था, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है। अब मैंने उनसे नाम पूछा, खैर मुझे नहीं याद आया कि कहाँ देखा होगा, लेकिन मज़े की बात यह कि उनको भी याद नहीं आया कि उन्होंने मुझे कहाँ देखा था, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये कर दिया कि मुझे विंडो सीट दे दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ज़्यादा देर और पता नहीं किस बात की जल्दी थी मुझे, तो मैं बिना थैंक यू बोले आ गई, जबकि मुझे उस पॉइंट पर ही थैंक यू बोल देना चाहिए था। अभी मैं नाम नहीं मैंशन करी, लेकिन थैंक यू सो मच ब्रो फेवर देने के लिए। ऐसा बहुत कम ही होता है कि मुझे किसी का नाम पहली बार में याद हो जाए, और हमेशा लोगों को यही शिकायत रहती है कि यार तुम हमारा नाम ही भूल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसका नाम याद रह ही जाता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को ये कंप्लेन हो कि मैं उसका नाम भूल गई हूँ तो कुछ अच्छा कर लिया करो, आपका नाम हमेशा के लिए याद रहेगा। हमारा खाना आ गया जो कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं है, उसके साथ 100 ml वाटर भी है, उसको पीना तो मुश्किल काम है ही, लेकिन इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि इसके साथ मैंने भी मेडिसिन ले ली है, और मुझे मेडिसिन खाने नहीं आती तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम होने वाला है। इस टास्क के लिए मुझे चाहिए बहुत सारी मोटिवेशन, क्योंकि मेडिसिन स्किप नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं पहले कॉफ़ी बना के पी रही हूँ, शायद थोड़ी एनर्जी आ जाए। घर पर तो सब कुछ ही रेडी मिल रहा होता है, लेकिन मैं अकेली हूँ जो चाय नहीं पीती, तो अगर मुझे कभी कॉफ़ी पीनी होती तो कभी कभी मैं ख़ुद बना लेती हूँ, लेकिन इतनी बुरी कॉफ़ी बनती है ना, मैं तो मजबूरी में फिर भी पी देती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को भी उससे चाहिए होती है, उनकी कौन सी मजबूरी है भाई जो मेरे हाथ की कॉफ़ी पीते हैं, और नॉर्मली जितना क्रीमर और शुगर डालते हैं मुझे उसका डबल चाहिए होता है, तो या तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे अपने हाथ की कॉफ़ी बना के पीने की, या मेरी कॉफ़ी बनाने की स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें। बट स्टिल इतनी बुराइयाँ करने के बाद भी मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे इस टाइम कुछ गर्म पीना था और दो ही ऑप्शन थे, चाय या कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी प्रेफर करना था क्योंकि चाय मैं पीती नहीं हूँ।
वहाँ पे सारी लाइट्स ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल अंधेरा है बाहर, और मेरे कानों में इतना बुरा दर्द हो रहा है ना, एक तो फ्लू की वजह से, ऊपर से एयर प्रेशर की वजह से हालत हो रही है। पता नहीं कब ये टाइम पूरा होगा। अल्लाह अल्लाह करके ये टाइम गुजरा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पिछले 2 सालों से सबमरीन में बैठी हूँ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, अब जाके थोड़ी सी लाइट्स नज़र आई हैं, थोड़ा दिल खुश हुआ, तसल्ली मिली है कि यार बस अब पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये दर्द अनबियरेबल है। पहले मुझे आदत थी मैं ट्रैवलिंग के टाइम फ़ौरन ही एयरफोन लगा के वॉल्यूम फुल करके म्यूज़िक सुन रही होती थी, लेकिन मैंने पिछले काफ़ी टाइम से म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया एंड नॉट इज़ आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस रेसिटेशन। सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, तो मैंने इंग्लिश, उर्दू, पश्तो और सिराइकी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, चाहे समझ आए ना आए लेकिन म्यूज़िक सुनना है। फाइनली वी आर लैंडिंग और सी वी अपन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मुझे भी सुनाई कुछ नहीं दे रहा। तो अब सीन्स कुछ ऐसे होंगे जैसे हमेशा सब बोलते हैं कि यार ये किसी की नहीं सुनती, तो अब मैं वाकई किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे कान काम ही नहीं करेंगे तो मैं सुनूंगी कैसे। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने। आप लोग हर टाइम बोल रहे होते हैं ना हबीबी कम टू दुबई, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया ने उसको बड़ा सीरियस ले लिया और आधी दुनिया तो एक साथ उठ के दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच गई है। ब्रो थक गई मैं, अब सबसे पहले जाके मैंने कुछ खाने पीने का ढूंढना है। फाइनली आई फाउंड दिस, यार दीज थिंग्स आर लिटरली मूड मैकेनिक। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पे, और कहा यह जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है। ये नहीं पता कि एयरपोर्ट्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट किसने और कहाँ करवाया था, लेकिन ये पता है कि ये उस कॉन्टेस्ट का विनर है। इन बच्चों के भी कितने मज़े हैं यार, कहीं पे भी झूले मिल जाते हैं इनको। सच में गलती कर दी है बड़ा होकर, मुझे बड़ा होना ही नहीं चाहिए था यार। इट्स नॉट फेयर, ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, मुझसे नहीं देखा जा रहा था ये सब, मैं उठ के आ गई। इस एयरपोर्ट पे तो इन्होंने अलग ही दुनिया बनाई है, कार लाके खड़ी कर दी और लोग उसको विन करने की कोशिशों में लगे हुए। और एक हमारा एयरपोर्ट था, वहाँ पे लोगों को ये टेंशन थी कि हमारी फ़्लाइट कितनी देर लेट है। यार जिस फ्लाइट से मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ कराची एयरपोर्ट पे नहीं, यहाँ पे भी डिले ही हैं, तो इस बात का बुरा नहीं मानना है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि फ़्लाइट के डिले होने का लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है, अब मुझसे लड़ने मत पहुँच जाना। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है एयरपोर्ट पर तो आप एक्सप्लोर करें, इन्जॉय करें, चल करें। मुझे एक फ्लाइट चाहिए था जिसके लिए मैंने पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लिया। पहले मुझे लगा कि सिर्फ मैं अकेली हूँ जो यहाँ से वहाँ घूम रही हूँ, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि सिर्फ मैं नहीं, ये सब गर्ल्स का मसला है, क्योंकि कोई बॉय मुझे इस तरह घूमता फिरता नहीं नज़र आया, सिर्फ गर्ल्स ही हैं। चलिए जी, अब मैंने अपना काम करना है और यहाँ पर वीडियोज़ बनाना अलाउ नहीं है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।